एक काम मैं नहीं कर पा रहा हूं जो मैं बार बार कहता हूं। हमने इस देश में संसदीय लोकतंत्र में क्यों पंचायत के चुनाव अलग कराए, क्यों वार्ड पंच का चुनाव करवाया, क्यों एमएलए का चुनाव कराया, क्यों एमपी का चुनाव कराया। योजना बन के आई तब पता लगा कि खाद्य सुरक्षा उस गरीब आदमी का नाम नहीं है, उस गरीब आदमी को एक गारंटी नहीं मिल रही है। हम 52 में नहीं होता था, 57 में नहीं होता था, 62 में नहीं होता था, अकाल पड़ जाता था। गरीब आदमी का बच्चा घर छोड़ के जाता था, 18 साल का नौजवान मजदूरी करने के लिए सूरत जा रहा था, अहमदाबाद जा रहा था, बम्बई जा रहा था, वो नौकरी करके पैसे बचा के लाता था, पर 45 साल की उम्र में आते थे मजदूरी नहीं कर सकते। और मुझे राजनीति में काम करते 43 साल हो गए, 43 साल। इलाके के बदलाव को देखा मैंने, मैंने देखी कोशिश की कि इलाके में बदलाव हो, पर एक काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं बार बार कहता हूँ। एक काम को समझे, बिना भाषण के शिक्षा में परिवर्तन होगा? आईआईटी में हम यदि टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे तो लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन करेंगे? तो उसमें भी है, मैंने किसी आदिवासी को टैक्सी चलाते नहीं देखा, किसी को टैक्सी चलाते नहीं देखा मैंने। हमने इस देश में संसदीय लोकतंत्र में क्यों पंचायत के चुनाव अलग कराए, क्यों वार्ड पंच का चुनाव करवाया, क्यों एमएलए का चुनाव कराया, क्यों एमपी का चुनाव करवाया? अभी अशोक जी गहलोत की सरकार ने 10 गारंटी दी, 10 गारंटी राहत देने के लिए काम किया। अब कितने आदमी को मालूम है कि भारत सरकार ने फैसला किया कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम केवल 67% लोगों को ही खाद्य सुरक्षा में लेंगे। ये फैसला कब हुआ? 2013 में। फैसला किसने किया? ग्राम सभा में। ग्राम सभा में कौन आदमी बैठे हुए? हम सब बैठे हुए। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उस गरीब आदमी का नाम खाद्य सुरक्षा में रखे? हमने उस गरीब आदमी का नाम जान में रखा। और आज जब योजना बन के आई तब पता लगा कि खाद्य सुरक्षा उस गरीब आदमी का नाम नहीं है, उस गरीब आदमी को एक गारंटी नहीं मिल रही है, उसे 1 किलो तेल मिलेगा, 1 किलो आटा मिलेगा। एक छोटी गलती से उस गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ। क्या गरीब आदमी का मकान नहीं है? ये फैसला कौन करता है? इंदिरा आवास योजना की लिस्ट कहाँ से जाती है? ग्राम सभा से जाती है। हम ग्राम सभा में भाग नहीं लेते, हम उसका नाम लिखा देते तो उस गरीब आदमी के पूरे का पूरा मकान का पैसा आता। ये काम हमने करने का काम नहीं, ये काम कौन करेगा? हम ये काम नहीं करना चाहते। सामुदायिक भवन बनना चाहिए, पैसा दो एमएलए साहब, भवन बन जाएगा, पानी टपकेगा, फिर लोग कहेंगे पानी का पैसा उठा के देखोगे। हमें लोकतंत्र में पॉलिटिकल एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। वार्ड पंच सबसे मजबूत ताकत वाला जनप्रतिनिधि है, वार्ड पंच सबसे ज्यादा। एक वार्ड में 800 वोट होते हैं, 800 1000 वोट होते हैं, 800 8000 मतलब 250 घर होते हैं। 250 घर का प्रतिनिधि ईमानदारी से ध्यान रखे तो जो व्यक्तिगत लाभ की योजना जो 1952 में नहीं थी, 57 में नहीं थी, 62 में नहीं थी, जो पैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा था, अब हम व्यक्तिगत लाभ की योजना के लिए पैसा दे रहे हैं। उस पैसे में चयन करने का काम ग्राम सभा से होता है, और ग्राम सभा में चयन नहीं होता तो गरीब आदमी के साथ अन्याय होगा। जब सरकार ने फैसला किया कि जिन आदमी का नाम खाद्य सुरक्षा में है उनको 25 लाख रुपए की चिरंजीव योजना के अंतर्गत हम पूरा का पूरा मेडिकल फ्री देंगे, जिस गरीब आदमी का नाम नहीं था उसे 2 साल तक ये लाभ नहीं मिला, फिर नियम बदला है, फिर हमने कहा का पूरा पूरा पैसा देगा, तब जाकर आज जो स्टेट बीपीएल के लोग हैं उनको भी वो लाभ मिल रहा है। तो 25 लाख रुपए की बीमारी तक का काम 52 में नहीं होता था, 57 में नहीं होता था, 62 में नहीं होता था, अकाल पड़ जाता था। गरीब आदमी का बच्चा घर छोड़ के जाता था, 18 साल का नौजवान मजदूरी करने के लिए सूरत जा रहा था, अहमदाबाद जा रहा था, बम्बई जा रहा था, वो नौकरी करके पैसे बचा के लाता था, पर 45 साल की उम्र में आते थे मजदूरी नहीं कर सकते। उसके घर में बीमारी हो जाती थी, देवले ले जा रहे थे, अस्पताल ले जा रहे थे, खेत पर गिरवे रख रहे थे, उन लोगों के परिवार में क्या गुजरी होगी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर में 52 मैया होगा, 57 मैया होगा, लेकिन आज सरकार के पास पैसा आया तो भरोसा दिलाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई बीमार होगा, अशोक गहलोत की सरकार 25 लाख रुपए तक का बीमा का इलाज आपके पास करेगी। जो एक दिन में नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ, 52 में जाकर आप जाकर हुआ, 57 में नहीं। मैंने देखा 1980 में अकाल रात के काम शुरू होते थे, 8 बजे मजदूरी करने जाता था आदमी, तकारी में पत्थर लेके ले जाता था, मिट्टी डालता था, मजदूरी मिलती थी 15 रुपए, 20 रुपए मजदूरी मिलती थी, 2 बजे उसको मजदूरी खत्म होती थी। कोई मक्की की रोटी लेके जा रहा था, कोई गेहूं की रोटी लेके जा रहा था, प्याज लेके जा रहा था, एक टिफिन था उसके पास एल्यूमिनियम का, और अकाल रात में काम करके 15-20 रुपए की मजदूरी पे काम कर रहा था। हमने नियम बनाया, हमने 2006 में कहा था कि हम कानून बनाएंगे, हमने कानून बनाया नरेगा का, और लोगों को कहा कि हम 80 रुपए मजदूरी देंगे नरेगा के लिए। जब 2009 का चुनाव हुआ
तब मनमोहन सिंह जी की सरकार में मुझे भी सांसद बनने का मौका मिला भीड़ में, तब हमने कहा 100 रुपए की मजदूरी देंगे। और मेरा ये बात था तो मैं उस विभाग का मंत्री बना भारत सरकार में, तब हमने कानून बनाया हर एक अप्रैल को कानून सरकार किसी की हो, हर एक अप्रैल को नरेगा के अंदर काम करने वाले आदमी की मजदूरी की रेट रिवाइज होगी। आज मजदूरी के आदमी को काम करने वाले को 265 रुपए मिलता रहा है, तो गरीब आदमी को 30 रुपए 40 रुपए में खेत पे काम करने के लिए कोई नहीं ले जा सकता, उसको 250 रुपए दे दो काम ही नहीं करने जाता। तो कारीगर है मिस्त्री को कोई 50 रुपए में काम नहीं करता, 400-500 रुपए नीचे कारीगर काम करने नहीं आता। एक कानून बना दिया नरेगा का, तो नरेगा के कानून से गरीब आदमी को इतना मदद करने का काम किया। बाकी जो कानून नहीं बनाते तो गरीब आदमी को 30 रुपए में कोई 40 रुपए में मजदूरी करा कर उसका काम करता, ये काम करने का काम हम कानून बनाकर लोगों को व्यवस्था करने का काम करने के लिए हमने कानून बनाया। चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। जो भी बातें सरकार कह रही है वो सरकारों के पास एक पैसा आया है कि सरकार तो दूसरे की भी है, उनके पास भी पैसा है, उनका भी सोच होना चाहिए। उनका सोच इस तरह का नहीं है, उनका सोच किस तरह का है, इस देश में आजादी के बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, चाहे हवाई जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कल कारखाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस लोगों के टैक्स के पैसे के हमने खड़ा किया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कल्पना थी, इस देश के नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करना है। IIT की स्थापना की, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान आदमी सिलिकॉन वैली अमेरिका में जाकर आज ये मोबाइल की क्रांति कर रहे हैं। यदि IIT की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं करता तो दुनिया में आज जो ये मोबाइल आप हाथ में ले रहे हो उसकी लीडरशिप भारत नहीं कर पाती। ये कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक नीति नहीं बनाता तो आज जो चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, आज मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, ये एक दिन में फैसला नहीं हुआ है। इसका फाउंडेशन, इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू रखी थी। इसरो की स्थापना हमने की है, वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना हमने की है, वैज्ञानिकों ने इसका रास्ता बनाया है, तब जाकर हमें खड़े हुए हैं। किसी काश्तकार को मालूम खेती कैसे होती है, शेर के आदमी को मालूम नहीं कि पैंट और शर्ट कहाँ से लेके आया हूँ, माल में सामान खरीदने जा रहा है, पैंट किस ब्रांड का है, शर्ट किस ब्रांड का है, उस आदमी को मालूम नहीं कि पैंट और शर्ट के लिए कपास की खेती कैसे होती है, कपास की खेती की क्या बीमारी होती है, कपास से धागा कैसे बनता है, धागे से कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े से पैंट कैसे बनता है, उस नौजवान को मालूम नहीं है जिसने गाँव में गरीबी नहीं देखी है, जिस लोगों ने तकलीफ देखी उसे मालूम है। आज गांव-गांव में मोची खत्म हो गया, गांव-गांव में तेजी खत्म हो गया, गांव-गांव में हाथ के काम करने वाले आदमी खत्म हो गए, और आज स्थिति ये बन गई है कि गांव में जो आर्टिजन का वो बेकार हो गया, और जो दूसरे आदमी है वो माल से सामान लेकर बेच रहे हैं और गरीब आदमी बैठ कर बैठा हुआ है। ये कौन शिक्षा में परिवर्तन करे, बिना भाषण के शिक्षा में परिवर्तन होगा? IIT में हम यदि प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं देंगे तो हम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन करेंगे? है कितने आदमी आपको मालूम ट्रैक्टर चला रहे हैं, आदिवासी भाई ट्रैक्टर चला रहा है, ये तो उसमें भी है, एक्सीडेंट तो उसमें भी है। मैंने किसी आदिवासी को टैक्सी चलाते नहीं देखा, किसी को टैक्सी चलाते नहीं देखा मैंने, क्योंकि सिखाया नहीं हमने कि तेरा काम पहले ट्रैक्टर चलाना ही है, तू कार चला सकता है, सिखाया नहीं है। हमारे इलाके का आदिवासी 2 मंजिल के ऊपर सुनाई नहीं कर सकता, आज बिल्डिंग बन रही है 10 बिल्डिंग की, 15 मंजिल वाले की बिल्डिंग बन रही है, सीमेंट के ईंट से बन रही है। आपको मालूम है बाहर के लोग आकर ये चुनाई कर रहे हैं तो हमारा आदमी नीचे बैठा हुआ देख रहा है, क्योंकि हमने उसको परिवर्तन करने का काम ही नहीं। कभी सोचिए 1980 में सीपी जोशी MLA था, रेल मार्ग का काश्तकार जिसकी अपनी पर जमीन थी 8 बीघा, 1980 में उसके 2 बच्चे हुए, तो 2000 में उसकी उम्र की 20-20 साल हो गए बच्चों की, 2 बच्चों में जमीन बटी 4-4 बीघा में, फिर उनके 2-2 बच्चे हुए, 2023 में हिसाब लगा देना 8 बीघा का जो बड़ा काश्तकार था रेल मार्ग में, इसी पी उसकी हालत क्या हुई, जमीन नहीं उसके पास, बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं, खेती करने के तरीके बदले नहीं, जो बड़ा काश्तकार था 1980 में वो आज छोटा काश्तकार हो गया है। ये जीवन नहीं, इसके जीवन को बदलने का काम कौन करेगा? क्या उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि खेती के तरीके को बदलो? क्या हमने कोशिश नहीं की, यहाँ के किसानों को भेजा हमने कैश क्रॉप पैदा करो, कोई गोभी बो रहा, कोई मिर्ची बो रहा है, ये सिखाएगा कौन? हमारी माताएं मैंने बैठी हुई है, सब गाय जानवरों को तलाक पहचान जानती है, जिसके गाय भैंस है आदमी काम नहीं करता, महिलाएं काम करती है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गाय और भैंस नहीं नस्ल की लेकर आवे, 10 लीटर दूध मिले, 15 लीटर दूध मिले, इससे 2 पैसे घर में आवे, ये काम कौन करेगा? ये काम हमें सिखाना पड़ेगा। तब हमने दूध की जो डेयरी खोली है और यहाँ पर पैसों नागपुरा में डेयरी का प्लांट बना रहे हैं जो अगले 4 महीने में खड़ा हो जाए, उसके जानवर के खाने की व्यवस्था करने के लिए अकाल पड़ जाए तो चारा नहीं मिलता, हम कैटल फीड लगा रहे हैं यहाँ पर जिस पर उसको खाने की व्यवस्था करने का काम है।
सोच होगा तब जीवन में परिवर्तन कर सकता हूँ। इसलिए मुझसे तो कोई कहने नहीं आया था रेल मंगा में कॉलेज होना चाहिए। मुझे दुख हुआ 3 साल पहले, 3-4 तो 4 साल हो गया, 5 वर्ष, 4 साल पहले यह IIT खुल गई थी। IIT कितने नौजवानों को मालूम है कि रेल मंगा की IIT कदरी का पसंद है, इसको मालूम है। जब बिल्डिंग बन गई, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, किसी को लेना देना नहीं, तब मुझे दुख हुआ। यहाँ मैंने यहाँ पे टेक में मैंने ड्राइविंग का लाइसेंस का इंस्टीट्यूट खुलवाया, हमारा आदमी को सीख ही नहीं रहा। मैं देखता हूँ यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के देवारी में इतने बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, कोई हिसाब किताब लगाया रेल मंगा के कितने आदमी का ट्रक है? तो उदयपुर से आ रहा, गुजरपुर से आ रहा, कलकत्ता से आ रहा, हमारे आदमी में नहीं है। हम भी धंधा करें, हम ड्राइविंग सीखे, बैंक से लोन लें, ट्रक लावें, धंधा करें। हम तो खाली काम ही करेंगे, गरीबों को रोके लगा दूसरा काम नहीं करेंगे, बाहर का आदमी आके काम करेगा, हम अपना काम नहीं करेंगे। जब टेक्निकल एजुकेशन नहीं लें, बच्चे बच्चे को पढ़ाए नहीं, तो रोजगार का काम कौन करेगा? कि रोजगार का काम करने की बात भी हमें लोगों के बीच में कहनी पड़ेगी, हमें माता बहनों को कहना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। सोचो 2 साल पहले कोरोना हो गया था, कोरोना एक बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था उसी का दूसरा साथी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। 2 साल तक किसी ने सोचा ही नहीं कि स्कूल के ताले लग जाएंगे, 2 साल तक मास्टर किसे पढ़ाएगा सोचा ही नहीं किसी ने, तब तक मोबाइल से पढ़ाई होगी। तो कल्पना कीजिए, जिसके माँ और बाप पढ़ी लिखी थी उसके बच्चे को मास्टर जो मोबाइल में पढ़ा रहा था, वो तो माँ भी मदद कर रही थी और पिता भी मदद कर रहा था। उसी का साथी जो 10वीं में पढ़ रहा था उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं, उसका पिता पढ़ा लिखा नहीं, वो 2 साल तक उसने कैसे पढ़ाई कभी सोचा? कभी सोचा? द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।